मटर कम्प्लीटली तैयार हो गए हैं, ठीक है। इसकी कोटिंग भी परफेक्ट। इस सॉस को अपने इतना ही पकाना है। ऊपर एक हरी प्याज डाल दें, आसानी जी। आज आप लोगों के मेरे चारे एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक स्टार्टर भी समझ लें, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दें, शाम को चाय में ट्राई कीजिएगा, कोई दावत हो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये है जी तंदूरी विंग्स विद सॉस। आप देखेंगे बड़ी हट के रेसिपी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चिकन के विंग्स हैं, जिन्हें मैंने ये देखें पानी लिया, मैंने खुला पानी लिया, ठीक है। और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर नमक और 4 टेबलस्पून सिरका डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसे ये होता है कि आप देखिए कि पानी का कलर पिंक सा हुआ है, ये जो होता है इससे जो बीच में से ऊज आउट होता है ब्लड वो रुक जाता है और आपका चिकन जो है ऊपर से क्रिस्प अंदर से बड़ा टेंडर बनता है। ये सिरके का काम होता है और नमक का उसको क्रिस्प कर देना। तो ये किसको मैंने 1 घंटे के लिए यहाँ पर मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। अब इसको आप अच्छी तरह धोएंगे और सिर्फ पानी से अच्छे से धोकर इसको किसी कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ में पैक ड्राई कर लें, अच्छे से इसको खुश कर लें। इस पर ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका हमने सेकेंड स्टेप है इसकी जो कोटिंग बनानी है, तो वो इस अच्छे से स्टिक होनी चाहिए। तो ये इसको धोती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब जो आपने इसकी कोटिंग करनी है उसके लिए आपको चाहिए मैदा, 1.5 कप है ये, तंदूरी मसाला जाएगा बीच में 2 टेबलस्पून भरकर, चिकन का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भरकर और नमक 1 टीस्पून लेवल्ड। तमाम चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं और जो चिकन के विंग्स हैं वो उसमें हम डालते हैं। चिकन के विंग्स को जब आप नमक और सिरके के पानी से निकाल कर धो लेते हैं हल्का सा, तो उसको आपने जो ड्राई करना है, ड्राई से मुराद ये नहीं है मेरा कि उसको बिल्कुल ही कम्प्लीटली ड्राई कर दें, हल्का सा उसको टिश्यू के साथ में पैच ड्राई करें ताकि ज़्यादा पानी ना हो। ये देखें गीले हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इनमें इनको डालते हैं और अच्छे से इनको कोट कर लेते हैं और फिर आप इन्हें निकाल करके एक प्लेट में इकट्ठा कर लें, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। कोट करने के बाद इसको आप निकालेंगे और ये देख लें एक पतली सी इस पर तय बनती है। यूं तमाम को इकट्ठा करते हैं और तमाम जितने भी विंग्स हैं उसे आप इसी के से ही इसमें रोल करें खुशके में, इसका स्पेशल मिक्स है। और जो है फिर आप इसको किसी के से कुक करेंगे वो आपको दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, तेल अच्छे से गर्म कर लेना है और ये जो हमारे विंग्स हैं हम इसमें डालेंगे और आपने इसको यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट देने ताकि अच्छे से ये गल जाएं। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगी, आपको पता है मैं वो चीज़ ज़ाया करना पसंद नहीं करती हूँ, तो जो मैदे का हमने जो बनाया है इसके लिए कोटिंग के लिए, वो आप क्या करोगे उसे जिप लॉक बैग में डालें और उसको रख दें तंदूरी चिकन का मिक्स और उसको आप रख लो। और जो अगर नेक्स्ट टाइम बनाना हो तो आप इसके अंदर जो है चिकन डालिए धो करके और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उतना ही चिकन डालेंगे जितनी स्पेस से, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसे फ्राई हो जाने दें तकरीबन 15 मिनट से आपको कहा मैंने, और स्टेट इसमें चमचा नहीं चलाएंगे। इससे ही होता है कि जो भी इस पर हल्की फुल्की कोटिंग है वो फिर रिमूव हो जाएगी। इसे फ्राई हो जाने दें अच्छे से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी कि नमक और सिरके के पानी में उसको भिगो कर रखने से होता है कि ये देखें कहीं से भी चिकन खून ऊज आउट नहीं हो रहा। ये देखें क्योंकि यही काफ़ी बच्चियों की या बहनों की प्रॉब्लम होती है कि जब कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो ये देखें जॉइंट में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये देखें तो जो जॉइंट का एरिया कोई इसमें ब्लड नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो जाने दें और फिर इसे निकाल करके पेपर टावल टिश्यू पे इकट्ठा करते हैं और फिर इसकी बनाते हैं एक मज़ेदार सी सॉस। कम्प्लीटली तैयार हो गए हैं, ठीक है। इसकी कोटिंग भी परफेक्टली आपको नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो बच्चों को एज इट इज़ ही सर्व कर सकते हैं फ्राइज के साथ में,
इसका भी सर्व किया जा सकता है इसको, क्योंकि बच्चे होते हैं काफ़ी जगह वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकते, तो ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से लाइट है बिल्कुल, ये देखें ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी सॉस की तरफ। अब इसकी जो हमने सॉस बनानी है उसके लिए आपको चाहिए होगा एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून जितना तेल डाल दें, 50 ग्राम्स बटर जाएगा बीच में, मक्खन को और तेल को अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। यहाँ पर आप देख लें कि मक्खन और तेल मेल्ट भी हो गया और गर्म भी हो गया। इसमें आप डालेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज और फाइनली आपने इसको देखें चॉप कर लेना है। तो ये प्याज चलेगी, इसमें जाएगा फ्रेश लहसुन चॉप्ड है 1.5 टीस्पून, इसे डाल करके यहाँ पर अच्छी तरह आपने इसको सॉफ्ट होने देना है। फ्लेम हाई पर ही है तो उसमें यहाँ पे नरम हो जाने दें। और रहे बात विंग्स की, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी दफ़ा लोगों को स्किन पसंद नहीं होती, तो आप उसको स्किन के बगैर भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है ना। अगर आपको नहीं चाहिए स्किन, स्किन के बगैर बना लें, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। प्याज यहाँ पर नरम होगी, इसमें आप डालेंगे तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून है, ये डाल कर इसको इसमें अच्छे से मिक्स करें। और थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें ताकि जो तंदूरी मसाला वो अच्छे से बीच में पक जाए, कच्चा ना रह जाए। तो ये देखें थोड़ा सा पानी चला गया बीच में, 1/3 कप जितना पानी है। यहाँ पे इसको इतना पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखें कि अच्छे से पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो गया, इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक बिल्कुल चुटकी भर डाल रही हूँ, थोड़ा सा और, वैसे तो तंदूरी मसाले में काफ़ी होता ही है नमक। इसके साथ इसमें जाएगा 1/2 कप दूध और बीच में जाएंगी मेयोनीज। यहाँ से शुरू में कहा है कि बड़े हट कर इसका जायका ज़रूर ट्राई करें, तो ये 1/2 कप चलेगी बीच में मेयोनीज। तमाम को अच्छे से मिक्स करते हैं। इस सॉस को आपने इतना ही पकाना है कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, फिर देख लें बिल्कुल पानी है, इसे गाढ़ा हो जाने दें और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें जो इसकी सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, अब इनमें जो है आप ये विंग्स ऐड कर दें, इसको अच्छे से टॉस करते हैं। ऊपर एक हरी प्याज डाल दें, इसे मिक्स करें और इसे कर दें डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, आप इसे एज अ स्टार्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालते हैं, मैं आपसे पहले भी कहा है, और स्किन के बगैर भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये कि अगर आप चाहें इसको एज इट इज सर्व कर दें, और अगर चाहें तो डिनर रोल्स छोटे छोटे बंस मिलते हैं उसके साथ में भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, साथ में कोई सॉस वगैरह रख लें अगर आपको चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं होगी क्योंकि जो उसकी सॉस खुद है वो बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे उसको cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा। आप आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।